पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने राजनीति में एंट्री ले ली है। 37 साल के रायडू ने जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ज्वाइन कर ली है। संन्यास लेने के बाद पूर्व क्रिकेटर गुरुवार यानी 28 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर पार्टी का हिस्सा बन गए। रायडू ने YSRCP चीफ जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। रायडू ऐसे समय में पार्टी का हिस्सा बने जब सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, क्या पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देगी? गौरतलब है कि रायडू ने अपना आखिरी क्रिकेट मैच 29 मई को IPL के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेला था। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मुद्दों को समझने के लिए अपना मूल गुंटर जिले के कोने कोने का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले कहा था, मैं लोगों की सेवा करने के लिए जल्द ही आंधा की राजनीति में एंट्री करूंगा। राजनीति में आने से पहले मैंने लोगों की नब्ज जानने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए जिलों के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने का फैसला किया है। मैं एक ठोस कार्य योजना को लेकर आऊंगा कि राजनीति में कैसे जाना है और मैं कौन सा मंच चुनूंगा। इस बीच क्रिकेटर ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि गंटूर या मछलीपट्टनम से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर वो विचार कर रहे हैं। बता दें, रायडू ने भारत की ओर से 55 एक दिवसीय मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 47 से ज्यादा औसत से 1694 रन बनाए। वहीं 6 T20 के मैच में रायडू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 10.50 के औसत से 42 रन बनाए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रायडू ने 6151 रन बनाए जबकि लिस्ट ए में 5607 रन बनाए हैं। इसके अलावा रायडू काफी विवादों में भी रहे हैं। उन्हें अक्सर क्रिकेट मैदान या फील्ड के बाहर आपा खोते हुए देखा जा चुका है। फिर चाहे वो साथी खिलाड़ियों हो या एम्पायरों को गाली देने का आरोप हो या फिर सड़क पर बुजुर्ग को मुक्का मारने के लिए दौड़ना हो, साल 2017 में उनके नाम एक रोड रेस मामला भी जुड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।